हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कीबोर्ड फॉर पासवर्ड के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग, तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे या फिर आप देख सकते हैं कीबोर्ड इनपुट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सोर्स कीबोर्ड फॉर पासवर्ड, तो राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड से ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही आप देख सकते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऑफ़ करेंगे। एक और तरीका है, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए सोर्स कीबोर्ड फॉर पासवर्ड यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देख सकते हैं इसमें और भी सेटिंग है, जैसे कि गूगल वॉइस टाइपिंग है। गूगल वॉइस टाइपिंग क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन में जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो माउस होता है, उस माइक होता है, उसको बोलते हैं की मतलब गूगल वॉइस टाइपिंग। इसको आप ऑन कर लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।